أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. तो इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ. और आज का जो डिस्कशन है हमारा वो बहुत महदूद है कुछ आयतों तक, लेकिन मैं चाह रही थी कि एक डिस्कशन हम करें जो कि क़िबला के मुतालिक है. तो बिकॉज वो बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है और उसकी रियलिटी को समझना क़िबला की, कि क़िबला जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में. तो उसके ऊपर आज इंशाल्लाह ताला हमारा डिस्कशन होगा. तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला पहले कुरान की रेसिटेशन से, और फिर उसके बाद जो है हम मीनिंग और फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية نمبر 139 سے میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں سورة البقرة کی. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله, ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله, وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت, لها ما كسبت ولكم ما كسبتم, ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها, قل لله المشرق والمغرب, يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه, وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله, وما كان الله ليضيع إيمانكم, إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. ये आयत हम लास्ट टाइम कर चुके थे. ककुल अतुहाजुना फिल्लाहि हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना अमालुना व लकुम अमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून.
कि क्या तुम जो हो हमसे जो अहले किताब जमाने में मौजूद थे उनको मुखातिब किया जा रहा है कि अल्लाह के बारे में लड़ते हो झगड़ते हो जबकि वो हमारा रब है और तुम्हारा रब है और हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं। वह नहनु लहू मुखलिसून और हम जो हैं अल्लाह ताला की तरफ जो है खालिसतन अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं हम उसके खालिस बंदे हैं हम टोटली सिंसियर हैं टुवर्ड्स अल्लाह सुबहानहू ताला। यहाँ से मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि जो नया जो सिलसिला है वो कंटिन्यूड है इस आयत के साथ। जब कोई आयत अम से शुरू हो रही है तो इट मीन्स और ये और या उर्दू में जैसे कहेंगे या तो ये या जो होता है ये पिछला जो हमजा इस्तेफहामुल इनकारी आया है के आ जो आया था कि कुल अतुहाजुनना क्या तुम हमारे साथ लड़ते हो तो वो जो क्या जो शुरू में आया था ये या जो है उसी के साथ कंटिन्यूड है। इसलिए मैंने जो है इस आयत का दोबारा से इधर तस्करा किया है कि क्या तुम अल्लाह ताला के बारे में लड़ते हो हमसे झगड़ते हो या तुम ये कहते हो या तुम ये कहते हो तो ये दोनों एक कंटिन्यूड स्टेटमेंट है जिसे कहते हैं। तो सिलसिला जोड़ने के लिए मैंने पिछली आयत को इधर जोड़ा है। अब हम नई आयत शुरू करते हैं वर्ड बाय वर्ड मीनिंग और ओके अम तकुलूना क्या तुम कहते हो अम क्या है क्या तकुलूना तुम कहते हो ये अम जो है ये और के मीनिंग में है यहाँ पे के जो पिछली मैंने आपको बताया कंटिन्यूड है इन्ना इब्राहिमा के डेफिनेटली क्या इब्राहिम के इब्राहिम अलैहिस्सलाम वह इस्माइल वह और इस्माइल अलैहिस्सलाम वह इसहाक इसहाक अलैहिस्सलाम वह और याकूब उनके बेटे जो थे याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम वल अजबात और जो औलाद थी याकूब अलैहिस्सलाम की कानू हुदन अव नसारा क्या वो यहूदी थे कानू थे वर हुदन यहूदी ज्यूज ठीक है और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है अव नसारा या वो क्रिश्चियन से नसारा थे यानी तुम जो हो हमसे जो झगड़ रहे हो तो तुम हमें ये बता रहे हो कि ये जितने भी जलील कदर अंबिया थे और इनकी जो औलादें थी ये क्या यहूदी थे या नसरानी थे। अल्लाह ताला ये इनसे पूछ कहा अल्लाह ताला ने कहा ये सवाल है इनके लिए कुल तो कह दीजिए तो कह दीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कह दीजिए आ अंतुम आ जो है यहाँ पे वो अगेन सवाल के लिए है क्वेश्चन पूछने के लिए है क्या अंतुम अंतुम जो है वो एक डिटैच्ड प्रोनाउन है तुम क्या तुम जानते हो कि आ अंतुम आलमो बेहतर जानते हो ज्यादा जानते हो अमिल्ला अम क्या है कि देन अल्लाह या अल्लाह तुम क्या बेहतर जानते हो क्या अल्लाह बेहतर जानता है या तो आ और अम जो है अगेन हैव कम अगेन कि क्या तुम बेहतर जानते हो या अल्लाह बेहतर जानता है। इंसान तो एक मखसूस टाइम पीरियड में होता है ना अल्लाह सुबहान तआला की नॉलेज तो एब्सोल्यूट और कंप्लीट है तो मुझे तुमको ज्यादा पता है अल्लाह के मुकाबले में। व मन अजलमो और अल्लाह सुबहान तआला ने कहा व मन अजलमो और कौन और फिर मन क्या है कि कौन अजलमु ज्यादा जुल्म करने वाला होगा जैसे आलमु आया ना ज्यादा जानने वाला तो अजलमु ज्यादा जुल्म करने वाला कंपैरिजन किया जा रहा है दो चीजों का मवाजना किया जा रहा है। वह मन अजलमु मिन और मन मिन क्या है फ्रॉम मन जो है जो मिन मन कि उससे यानी उससे ज्यादा जालिम कौन होगा उससे ज्यादा बड़ा जो है गुनाहगार कौन होगा। मिम्मन कतमा जिसने छुपाई शहादा क्या चीज छुपाई टेस्टिमनी जो है गवाही शहादत जो है वो छुपाई इंदहू अपने पास इंदा उस पास और हु जो है वो अटैच प्रोनाउन हो गया कि उसने छुपाई अपने पास जिसने छुपाई शहादत जिसने छुपाई गवाही अपने पास
मिनल्ला यानी अल्लाह की तरफ से, यानी उसके पास जो गवाही थी अल्लाह ताला की तरफ से जो सच था वो उसने अपने पास छुपाया। वह मल्लाहु बिगाफिलिन, और नहीं है अल्लाह, वाव क्या है एंड, और मा क्या है नॉट, अल्लाह अल्लाह बिगाफिलिन, बी जो है हर्फ जर हो गया, यानी जरा सा भी अल्लाह गाफिल नहीं है, बिगाफिलिन अल्लाह हरगिज बेखबर नहीं है, अम्मा तअमलून, अम्मा अन और माँ का मुरक्कब है कि उससे जो तअमलून जो कुछ तुम करते हो, कि उससे बड़ा गुनहगार उससे बड़ा जुल्म करने वाला क्या होगा जो गवाही को छुपाएगा जो अल्लाह की तरफ से उसके पास मौजूद है। और अल्लाह जो है वो ही इज टोटली अवेयर, अल्लाह सुबहान तआला की कंप्लीट नॉलेज है, अल्लाह ताला जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अम्मा अल्लाह ताला उससे गाफिल नहीं है। ठीक है, तिलका उम्मतुन कद खलत, यह आयत पहले भी आ चुकी है, तिलका ये उम्मतुन एक उम्मत थी, कद खलत जो गुजर चुकी, विच हैज पास्ड अवे, लहा मा कसबत, लहा में लाम जो है वास्ते फॉर, हा जो है अटैच प्रोनाउन हो गया, के उसके लिए किसकी तरफ इशारा हो रहा है, उम्मत के लिए, कि उसके लिए उम्मत के लिए क्या है, लहा मा कसबत, जो कुछ उस ने कमाया, यानी उस उम्मत ने जो कमाया वो उसके लिए है, जो आमाल वो उम्मत कमा कर गई है वो उसके लिए है, व लकुम मा कसबतुम, वा जो है क्या है एंड हो गया, लकुम लाम जो है अगेन वास्ते, और कुम जो है अटैच प्रोनाउन हो गया, और तुम्हारे लिए है मा जो कुछ, कसब तुम जो तुम कमा रहे हो, यानी जो उम्मत गुजर गई उसके लिए वो आमाल हैं जो उस उम्मत ने कमाए हैं, और तुम्हारे लिए वो आमाल होंगे जो तुमने कमाए हैं, वला तुसअलूना, और नहीं, वाव जो है वो एंड है, लाम अलिफ ला नहीं, तुसअलूना तुमसे सवाल किया जाएगा, अम्मा के अबाउट व्हाट, के उस चीज की बाबत उस चीज के बारे में। ठीक है, अम्मा क्यानू या अमलून, के वो जो करते थे, दे यूज टू, क्यानू दे यूज टू या अमलून वो करते थे। तो ये जो है ये पहली पहला सेगमेंट है जो हम डिस्कस करेंगे कि अल्लाह सुबहान ताला ने कहा कि अच्छा तुम जो हो कहते हो कि ये तमाम अंबिया जो थे ये यहूदी थे या नसरानी थे, अल्लाह से ज्यादा तुम जानते हो, तुमको पता है ज्यादा, और उससे ज्यादा जालिम कौन होगा कि जिसने जो है शहादत अपने पास छुपाई अल्लाह ताला की तरफ से, और जो टेस्टिमनी उसने हाइड की, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह सुबहान तआला गाफिल नहीं है कि जो कुछ तुम करते हो, और जो है ये एक उम्मत गुजर गई उसके लिए उस उम्मत के लिए उसके आमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल है, और तुमसे जो है नहीं सवाल किया जाएगा, अम्मा क्यानू या अमलून के वो करते थे। ये खुलासा हो गया इस आयत की मीनिंग का। नाउ जो चीज इम्पोर्टेंट नोट करने के लिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ये तिलका उम्मतुन कद खलत, ये जो है आयत पहले भी आ चुकी है, तिलका उम्मतुन कद खलत आयत नंबर, ये तो हम अभी 141 कर रहे हैं ना, ये 134 जो है जब आयत आई थी तब भी एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड सेम आयत है। आप मतलब देख सकते हैं कि दिस इज 134, तिलका उम्मतुन कद खलत, लहा मा कसबत, वलकुम मा कसबतुम, वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, और फिर अगेन दिस हैज कम अगेन। अब कुरान के अंदर जो है पर्पस होता है, कोई चीज के रेपिटेशन में, हर चीज के रेपिटेशन में एक पर्पस है, एक इसका एक मकसद है, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह सुभान ताला की तरफ से जो है ये रेपिटेशन आया है, तो देयर इज अ रीजन, चाहे हमको उसकी हिकमत समझ आए नहीं आए, बहरहाल रीजन अपनी जगह पर मौजूद है। नाउ अगर इसका रीजन समझना है तो लेट्स गो टू आयत नंबर 134 से पहले जो आयत थी 133, उस वक्त उस चीज का जिक्र किया था, अम कुंतुम शुहदा इज हदरा याकूब अल मौत, कि क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहि सलाम को मौत आई थी, और उन्होंने अपने बेटों से पूछा था कि मा ताअबुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा हम इबादत करेंगे आपके इलाह की, जो आप द डियटी दैट यू वर्शिप, अल्लाह सुबहान ताला, उनकी हम इबादत करेंगे, व इलाह आबाइका, और आपके जो आबा के जो आपके फादर थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, व इस्माईल अलैहिस्सलाम, व इसहाक अलैहिस्सलाम, इलाहुं वाहिद, एक इलाह की हम जो है इबादत करेंगे, व नहनु लहू मुस्लिमून, और उन्होंने अपने आप को डिफाइन किया था कि हम अल्लाह के आगे झुकने वाले, सबमिट करने वाले हैं।
तो यहाँ पर ये इसका आयत, और अभी जो हमने पढ़ा तो ये अम तकुलूना इन्ना इब्राहिम व इस्माइला, ये वाली आयत हमने अभी की, और उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई शहादत को छुपाया। तो अगर आप दोनों आयतों का कंपैरिजन करें तो दोनों के अंदर जो एक कॉमन आपको लिंक नजर आएगा वो है शहादत का, क्योंकि इधर की क्या चीज का जिक्र किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये पहली जो आयत आई तो पूछा कि आप क्या, जो अहले किताब से पूछिए कि क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम के घर पे मौत आ खड़ी हुई थी, जब उनकी मौत आई थी, और उस वक्त उन्होंने जो सवाल किया था और उस वक्त जो शहादत दी गई, जो उनके बेटों ने कहा कि हम जो है मुसलमान हैं, हम अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, और ये उन्होंने ये डिफाइन किया था। और अभी जो जिक्र किया गया, अगेन वो शहादत का जिक्र किया गया लेकिन इन द नेगेटिव सेंस के, उससे ज्यादा जालिम कौन शख्स होगा जो शहादत को छुपाता है। तो पहले जो एग्जाम्पल दी गई उनकी एग्जाम्पल दी गई जिन्होंने हक के ऊपर शहादत का एतराफ किया था, हक के ऊपर जो है शहादत का एतराफ किया था कि हम सिर्फ एक इलाह की इबादत करते हैं और उसी के आगे हम झुकने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने इनका जिक्र किया कि ये जो हैं अब ये लेकर बैठ गए हैं कि अपने टाइटल्स को, कि नसरानी कौन है और यहूदी कौन है, और जो हकीकत थी मजहब की उसको फरामोश कर बैठे हैं कि एक इलाह की जो है इबादत करनी है। सो अल्लाह सुभान व तआला ने कहा कि इनके पास किताबें मौजूद हैं, इनके पास जो है ये हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन उससे ज्यादा जालिम कौन होगा कि जिसने शहादत को छुपाया, ना सिर्फ कि उनकी शहादत को छुपाया जो पहले गुजर चुके थे, बल्कि अपने अंदर जो इंसान के, इंसान की जात जो शाहिद है अल्लाह सुभान व तआला की जात पे, उस शहादत के ऊपर भी जो है मिट्टी डाल दी उन्होंने और उसको भी छुपाया। तो ये कॉमन लिंक है। तो अल्लाह ताला जो है, तो तफसीर में आता है कि पहला जो जिक्र किया गया तिलका उम्मतुन कद खलत, वो अहले किताब के लिए किया गया कि तुम जो उनके नाम की तस्बीह लेकर बैठे हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और फलाने और इसहाक अलैहिस्सलाम, और हम तो अंबिया की औलादों में से हैं और हम तो चोजन वंस हैं और अल्लाह ताला ने हम पर अपना बड़ा फजल किया है, जिनकी तुम तस्बीह लेकर बैठे हो वो उम्मत जो थी वो गुजर गई, अब उनके आमाल जो है वो तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। अगर वो जो थे अजीमुशान थे और वो जलीलुल कदर थे तो वो उनके आमाल उन तक महदूद हैं, तुमको, तुम्हारे से नहीं ये पूछा जाएगा कि वो क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, और उसके ऊपर तुमको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने आमाल जो हैं वो अटैच्ड हैं। तो ये इस सेंस में जो है ये पहली आयत आई है। सेकंड जो दफा जो आई है, अब आप देखेंगे कि इसके बाद जो दूसरा सिपारा शुरू होने को जा रहा है, तो सबसे पहले जो वहां पर जो आएगा वो तहवील क़िबला, यानी क़िबला जो चेंज किया गया उसका जिक्र आएगा। फिर उसके बाद नई उम्मा जो बनने के लिए जारी है, वह कदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अल्लाह ताला मुखातिब करके कह रहे हैं कि अब एक नई उम्मा तश्कील दी जा रही है, एक नई उम्मा जो है वो जन्म लेने वाली है, लेकिन वो इस प्रिंसिपल पर जो है होगी जो हमेशा से अल्लाह सुभान व तआला की सुन्नत है, वो ये है कि अल्लाह हमारा इलाह जो है वो इलाह वाहिद وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, और हम उसी की तरफ झुकने वाले हैं। तो अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से कि ये जो कुछ भी हो चुका, चाहे लोग ऐसे गुजरे कि जिन्होंने हक पर थे, चाहे ऐसे लोग उसके बाद आए जो कि हक से रूगर्दानी कर रहे थे, एवरीथिंग इज इन द पास्ट, अब किसी के शेडो में कोई नहीं रह सकता। जिसको हिदायत की तरफ आना है वो उस ही प्रिंसिपल पर आए कि अल्लाह सुभान व तआला के कुलू आमन्ना बिल्लाही, कि हम अल्लाह पे ईमान लेकर आए, वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला, कि हम ईमान लेकर आए। तो वो ईमान जो है तो उस सेम प्रिंसिपल के ऊपर जो हमेशा से मिला इब्राहिमी का सतून रहा है, उसके ऊपर नई उम्मा जो है वो तश्कील दी जा रही है। तो चाहे पहले लोगों के बड़े ग्लोरियस आमाल थे या फिर उन्होंने शहादत को छुपाया, इट डजंट मैटर, लोग इस नए कारवां में शामिल हो सकते हैं चाहे वो कहीं से भी आए हों।
और जो नया जो जो तो अल्लाह सुबहान ताला जो है वो एक नई डायरेक्शन जो है एक की तरफ लेकर जा रहे हैं और नई एक उम्मत जो है एस्टैब्लिश होने के ऊपर जा रही है, लेकिन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मिल्ला इब्राहिम। ठीक है, तो ये आप ये जो है दो दफा जो ये रेपिटेशन हुई है, आई होप कि दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट जो आयत है सयकूलु सुफहा, ठीक है, अब इसके ऊपर इसके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग करते हैं, सयकूलु सुफहा तो अन करीब कहेंगे, सीन जो है वो है अन करीब के लिए, ठीक है, सौफा भी आता है उसमें थोड़ा सा गैप होता है, सीन जो है अन करीब बिल्कुल बहुत क्लोज, विल से सयकूलु सुफहा बेवकूफ कहेंगे, मिन अन्नास कौन बेवकूफ कहेंगे, फ्रॉम द पीपल, मिन जो है से हरफ जर हो गया, नास हो गया लोग, मा वल्लाहुम किसने किस चीज ने, माँ जो है व्हाट किस चीज ने, वल्ला हुम जो है अटैच प्रोनाउन हो गया, वल्ला का मतलब है कि टर्न कर दिया उनको, हैज टर्न देम, अन क़िबला थी हिमुल्लती, अन हरफ जर हो गया से, फ्रॉम क़िबला थी हिमुल्लती, क़िबला हो गया और फिर उसके बाद जो है अटैच प्रोनाउन हो गया कि हिम देयर डायरेक्शन ऑफ प्रेयर, किसने उनको टर्न कर दिया, क़िबलतहुम लती अल्लती क्या है, वो जिस कानू अलैहा, कानू क्या है क्या थे, अलैहा अला अला इज ऑन हा इज पर इट्स अटैच प्रोनाउन कि उस पर थे वो, यानी किसने अनकरीब जो है बेवकूफ जो है जो फूल्स हैं दे आर गोइंग टू से कि ये इनको इस क़िबले से जो जिसकी तरफ ये इबादत करते रहते किसने मोड़ दिया कि ये जिसके ऊपर पहले कायम थे, अलैहा यानी उस क़िबले पर वो पहले कायम थे उससे उनको किसने मोड़ दिया, कुल लिल्लाही कुल कह दीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, लिल्लाही लाम जो है हरफ जर है फॉर अल्लाह, क्या है, अल मशरिक वल मगरिब, मशरिक ईस्ट और मगरिब, यहदी मैं यशाउ यहदी वो हिदायत देता है, मैं यशा मन जिसको यशा जो चाह वो चाहता है यानी उसको हिदायत देता है, मतलब मन जो है यहाँ पर उस पर्सन की तरफ इशारा किया जा रहा है जिसको हिदायत दी जाती है, और यशा अल्लाह ताला की तरफ कि अल्लाह उसको हिदायत देता है यानी अल्लाह चाहता है, इला तरफ सिराती मुस्तकीम टू अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है सीधे रास्ते की तरफ, कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब कि अल्लाह मशरिक और मगरिब दोनों अल्लाह को बिलोंग करते हैं और अल्लाह जिसको चाहता है सिराते मुस्तकीम की तरफ जो है वो हिदायत दे देता है। ओके, ये आयत अगेन, अब पहली बात ये है कि लास्ट वाली जो आयत आई है जो हमने पढ़ी शहादत के बारे में, उसके उसके बाद जो नेक्स्ट जो आयत आ रही है वो क़िबले के बारे में आ रही है। हिस्टोरिकल नैरेटिव ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने गए तो आप कोई कहते हैं 16 17 या 18 महीने तक जो है उसी क़िबले की तरफ यानी बैतुल मुक़द्दस जो अब पहला क़िबला था उसकी तरफ ही वो करके जो है नमाज पढ़ते थे। फिर उसके बाद जो है आपकी ख्वाहिश ये थी कि दीन इब्राहिमी पर क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा जो है दोबारा से बिल्ड किया था कि काबा जो है वो मुसलमानों का क़िबला होना चाहिए, एक अटैचमेंट भी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिल्ला इब्राहिमी से, और अल्लाह सुबहानहु ताला की जो थी वो मशीयत भी यही थी, अल्लाह सुबहानहु ताला की विल भी यही थी, तो इवेंचुअली अल्लाह सुबहान ताला की तरफ से यह हुक्म आया कि एक नई उम्मा जब तश्कील दी जा रही थी मुसलमानों की कि अब क़िबला जो है वो खाना काबा जो है वो होगा, तो मुसलमान जो थे फिर उन्होंने अपना क़िबला जो है चेंज कर लिया और फिर वो उन्होंने जो है मक्का की तरफ जो है नमाज पढ़नी शुरू कर दी, तो उसके उसकी वजह से जो मुनाफिक थे और उससे बढ़कर जो यहूदी थे क्योंकि यहूदी बड़े खुश होते थे उन बैतुल मुकद्दस उनसे एसोसिएटेड क़िबला था, और जो मुनाफिक थे जो कि मदीने में पहले से मौजूद थे और वो मुसलमानों के साथ शामिल हो गए थे वो ढूंढते रहते थे कोई ना कोई तरीके से इतराज़ करने के 10 बहाने,
तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये किस किस्म का रिलीजन है, आज तो इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, अब उधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, ये इनकी नमाजों का क्या बनेगा, ये कौन सी स्टेडफास्टनेस है, ये कौन सी इस्तेकामत है इनके मजहब में, ये कभी इधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, कभी इधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो उन्होंने इस तरह की जो है बातें करनी शुरू कर दी थी मुसलमानों को ईजा देने के लिए, और जो थोड़े मतलब मुसलमान डामाडोल हों या कंफ्यूजन में आ जाएं कि उनके दिमाग में एक डाउट, एक जिसे कहते हैं कि एक शक डालने के लिए कि ये किस किस्म का मजहब है, कभी इधर है कभी उधर है, आई श्योर ये सच्चा मजहब है या ये कोई ऐसी दिल से घड़ लिया गया है। तो एनीवे तो ये जो थी ये इसकी हिस्ट्री थी। लेकिन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो की जो ख्वाहिश थी और जो इसके बीच में जो पूरी वो नेक्स्ट हम जब ग्रुप ऑफ आयतें करेंगे तो उसमें उसकी ज्यादा डिटेल आएगी। लेकिन जो डीपर रियलिटी है कि ऑफ क़िबला, आज हम उसका डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं कि क़िबले की इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कनेक्ट इट बैक टू द प्रीवियस आयत, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रीवियस आयत जो है वो शहादत के बारे में है, और शहादत के बारे में ये थी कि वो अमकुम तुम शुहदा, कि जब उन्होंने कहा, जब सही शहादत दी गई तो उसमें दो चीजों का जिक्र किया उन्होंने कि हम जो है इबादत करते हैं इलाह का, आपके इलाह की, व इलाह आबाई का, और आपके जो जो वालिद थे इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, जो आबा व अजदाद थे, योर फोर फादर्स उनकी, और इलाह वाहिद व नहनु लहू मुस्लिमून। तो इलाह वाहिद, हम सिर्फ एक इलाह की इबादत करते हैं, व नहनु लहू मुस्लिमून, इसमें दो जो है एस्पेक्ट्स हैं। एक कहा गया कि इलाह वाहिद, कि सिर्फ हम एक इलाह की इबादत करते हैं, और व नहनु लहू मुस्लिमून, कि हम जो है मुसलमान हैं। तो पता इससे क्या चीज पता चल रही है कि दो जो है इसके जो है वो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि एक इंडिविजुअल डायमेंशन है कि इंसान जो है एक इसका इंडिविजुअल डायमेंशन है कि अल्लाह ताला की तरफ टर्न होना, और नहनु लहू मुस्लिमून से इट इज इन प्लूरल, तो एक इसकी प्लूरल से ये पता चलता है कि एक कम्युनिटी है, एक उम्मत जो है उसकी तश्कील दी जा रही है। तो ये दो सफर हैं साथ साथ जो चल रहे हैं, एक आपका पर्सनल जर्नी है और एक पूरी कम्युनिटी का जो है, एक पूरी उम्मत का जो है वो जर्नी है। कोई भी जर्नी जो शुरू होता है तो उसकी एक डायरेक्शन, एक सिम्त जो होती है वो मुतय्यन की जाती है। तो क़िबला जो है ये वो सिम्त है जो मुतय्यन की जा रही है, पर्सनली भी और एज कलेक्टिव बॉडी ऑफ उम्मा अभी। तो ये जो है ये बेसिक प्रिंसिपल यहाँ से जो है शहादत के बाद जो है इसका जो है वो ताल्लुक है। नाउ अल्लाह सुभान ताला ने कहा इनको कि सुफहा, सुफहा का मतलब हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि सयकूल सुफहा, कि ये बेवकूफ जो है ये कहेंगे। तो बेवकूफ इनको जो कहा गया, तो ये आयतें जो है, ये थर्ड टाइम ये वर्ड अब तक सूरतुल बकरा में आया है। फर्स्ट टाइम जब आया था अल्लाह सुभान, जब आया नंबर 13 में आया था, वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू, जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लेकर आओ, कमा आमना नासु, जिस तरह से आम इंसान ईमान लेकर आए, तो कहते थे अनुमिनु कमा आमना सुफहा, हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लेकर आए। अल्लाह ताला ने कहा यही सुफहा है, यही सबसे बड़े बेवकूफ है, लेकिन ये जानते नहीं। तो ये एक जनरल सेंस में एक बात की गई थी, चाहे ये हिपोक्रेट्स को अप्लाई हो, चाहे ये मुनाफिकों का अप्लाई हो, चाहे ये अहले किताब में जो ऐसे लोग हैं कि इसी रविश पर, मुनाफिकत की रविश पे चल रहे हैं, उनको ये अप्लाई हो। तो ये पहली जो है जिक्र किया गया। फिर उसके बाद जो हमने आयत अभी कुछ दिन पहले पढ़ी, व मई यरगबु अम मिल्लति इब्राहिम इल्ला मन सफिहा नफ्सा, कि कौन है जो मिल्ला इब्राहिमी से मुंह मोड़ता है, एक्सेप्ट कि जिसने अपने नफ्स को बेवकूफ बनाया, जिसने अपने नफ्स को बेवकूफ बनाया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो वो थे जिनको हमने दुनिया में भी सेलेक्ट किया और आखिरत में वो सालहीन में से होंगे। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो है वो तस्करा किया गया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रविश अगर आपने देखनी है तो सूरतुल अनआम की आयत है जिसमें ही सेज इन्नी वज्जहतु, मैंने इंडीड आई हैव टर्न वज्हिया लिल्लज़ी फतरस समावाती वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुश्रिकीन, कि मैंने अपना चेहरा जो है टर्न किया टुवर्ड्स द वन
Who has created the heavens and the earth, जिसने जो है तमाम आसमानों और जमीन की तख्लीक की, उसकी तरफ मैं अपना चेहरा मोड़ता हूँ, और जो है हनीफा टोटली स्ट्रेट अल्लाह ताला की तरफ जो है मैं झुकता हूँ, वमा अना मिनल मुश्रिकीन, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो मिल्ला ये थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो नाम लेते ने वाले हैं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अहले किताब जो उनका नाम लेने वाले, अल्लाह ताला ने बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्ला की तुम बात कर रहे हो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो मुकम्मल तौर पर अपना चेहरा अल्लाह ताला की तरफ टर्न किया। तो ये जो है ये रूह है, क़िबले की जो रूह है कि इन्नी वजह तू, मैं अपना चेहरा जो है टर्न करता हूँ टुवर्ड्स द वन जिसने आसमान और जमीन को तख्लीक किया है, ठीक है, और उसकी तरफ मैं अपने आप को जो हूँ मोड़ता हूँ। और अल्लाह सुब्हान ताला ने तो कहा कि कौन है जो मिल्ला इब्राहिमी से अपने आप को मोड़ता है, कौन है जो मिल्ला इब्राहिमी से जो है रूह गर्दानी करता है, एक्सेप्ट द वन हु है सफीहा नफ्सा। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अगर तुम्हें पैरोकार हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इत्तबा करना है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिनको अल्लाह ताला ने बाय हिमसेल्फ एक उम्मा करार दिया कि वो इस कदर उनका अकीदा जो था मजबूत था कि वो अल्लाह ताला के लिए बाय हिमसेल्फ अ पर्सन इज लाइक एन उम्मा, तो अल्लाह ताला ने उनका ये जिक्र किया। अब जब थर्ड टाइम अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, जब थर्ड टाइम अल्लाह सुभान ताला ने जिक्र किया है, वो है सयकूलु सुफहाउ मिनन नास, राइट, के छोड़ दी सारी बातें कि अब जिसको बेवकूफ बनना है वो बने, जिसने जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से रूह गर्दानी कर रहा है वो इस कैटेगरी में आ ही गया है। तो सबसे बड़े बेवकूफ यही हैं कि जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रिलीजन की जो रूह है उसको तर्क कर दिया है, और वो खाली खाली इन चीजों को लेकर रह गए हैं कि डायरेक्शंस को। जब एक ढांचा रह जाए किसी चीज का और उसकी रूह जो है वो परवास कर चुकी है, मजहब का सिर्फ ढांचा रह गया है कि ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, ये डायरेक्शंस हैं, ये इस तरीके से जो है हमें ये चीज करनी है, लेकिन उसकी रूह जो है वो फौत हो चुकी है। तो फिर इंसान जो होता है वो जो तमाम जो मजहब होता है बाय इटसेल्फ, वो आपका एक आइडल बन चुका है, वो एक मजहब जो है वो बाय इटसेल्फ एक आइडल बन चुका है। और सुभान अल्लाह के ये हमारे ईगो की, असल में जो है इंसान अपने ईगो की परस्तिश कर रहा होता है, इट इज नॉट अबाउट द ट्रूथ एनीमोर। ये इंसान अपने ईगो को जो है मजहब के लिबादे में मलबूस करके, डिस्गाइज करके अपने ईगो की जो है वो परस्तिश कर रहा होता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो है ये बताया कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है रविश थी। नाउ फिर उसके बाद वह लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, ये पहले भी मैं ये इस चीज़ का जिक्र कर चुकी हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला, ये दो दफ़ा ये आयत आ चुकी है, वह लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, के एक दफ़ा जब आई थी पहले 115 में, फ़ाइनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह को मशरिक और मग़रिब बिलोंग करते हैं, जहां पर भी तुम टर्न करोगे तुम्हें अल्लाह ही मिलेगा। ये एक स्पिरिचुअल डिमेंशन है कि एक मोमिन के लिए जो है अल्लाह सुभान ताला ट्रांसेंड्स, अल्लाह सुभान ताला इज नॉट इन एनी डायरेक्शन, अल्लाह ताला की जो है वो किसी डायरेक्शन में नहीं है, कि किसी प्लेस में नहीं है, अल्लाह सुभान ताला की जात जो है वो इन्फिनिट है, अल्लाह ताला की जात, इसीलिए कोई इमेज नहीं है हमारे मजहब में, कोई हम कोई आइडल वर्शिपिंग नहीं है कि हम जो है ये एक आइडल बन जाता है कि जब इंसान जो है समझने लगे कि कोई काबा जो है किसी किस्म का, आप काबा की परस्तिश नहीं करते हैं, बल्कि हम जो काबा का जो रब है, फलिया अबदू रब हाजल बैत, हम उस रब की परस्तिश करते हैं जो कि उसका रब है उस घर का। तो अल्लाह सुभान ताला इज एवरीवेयर इन द सेंस ही ट्रांसेंड्स ऑल डायरेक्शंस एंड डिमेंशंस अल्लाह सुभान ताला। तो ये एक स्पिरिचुअल डिमेंशन है कि जो मोमिन जो है ये इवेंचुअली उसको अल्लाह जो है हर तरफ, हर रूह, हर अल्लाह सुभान ताला की जो कॉन्शियसनेस है उसकी, वो इस तरह की होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि अब ये जो जर्नी जो शुरू हुआ है वो क्या जर्नी है, वो जर्नी ये है, ये आयत हम आगे जाके पढ़ेंगे 148 में, वलीकुल्लु विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, फॉर एवरीवन देयर इज अ डायरेक्शन,
फॉर एवरी वन देर इज अ डायरेक्शन, जो अभी हमने आयत पढ़ी ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इन्नी वज्जह तू वज्ही लिल्लज़ी, मैं अपना चेहरा जो है उनके लिए क्या डायरेक्शन थी, मैं उसकी तरफ मोड़ता हूँ कि जो खालिक है तमाम आसमानों का और जमीनों का। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर जान के लिए, हर हर जी रूह के लिए एक डायरेक्शन है, हुआ मुवल्लीहा, जिसकी तरफ वो मुड़ता है, चाहे इंसान कहते हैं ना, हम कहते हैं क़िबला अपना दुरुस्त कर लो, तुम अपना क़िबला ठीक कर लो, तो हर एक के लिए एक क़िबला मौजूद है, चाहे कोई मानता है नहीं मानता है, कोई अपने डिजायर्स की तरफ अपना क़िबला करके बैठा हुआ है, कोई अपने ईगो की तरफ अपना क़िबला करके बैठा हुआ है, कोई अपने नेशनैलिटी को खुदा बना के बैठा हुआ है, कोई अपनी स्किन के कलर को खुदा बना के बैठा हुआ है, किस चीज के साथ जो है इंसान की अफिलिएशन है, किस चीज के साथ इंसान की अफिलिएशन है। वली कुल्ली विजहतुन हुआ मुवल्लीहा, अल्लाह ताला ने कहा फस्तबिकुल खैरात, तो शुरू हुई आज सिंगुलर से, अगेन इट्स अ पर्सनल जर्नी दैट स्टार्ट्स, फस्तबिकुल खैरात, एक उम्मा की डायरेक्शन क्या है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अच्छे कामों में strive to excel, then strive then to excel, aynama takunu yati bikumullahu jami'a, jahan par bhi tum sab ho Allah subhanahu wa ta'ala tum sab ko jo hai wo lekar aa jayega, inna Allah ala kulli shay'in qadir, beshak Allah har cheez par qadir hai. Ye jo hai journey ko define kar raha hai. आप कोई सफर करते हैं ना, तो उसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक उसका एंडिंग पॉइंट होता है। ये दुनिया जो है एक्चुअली इट इज मिररिंग आवर जर्नी, जो कि आखिरत में भी वही जर्नी है कि जब इंसान कब्र से उठेगा और अपने रब की तरफ जाएगा, जब उस आवाज दी जाएगी और सब रब की तरफ जो है जमा हो जाएंगे। नमाज क्या होती है, एक अजान दी जाती है, एक आवाज दी जाती है और सब जो है जमा हो जाते हैं। तो ये मिरर कर रहे होते हैं हम आखिरत को, जो आखिरत का जर्नी है, तो ये इट इज अ मिररिंग ऑफ द जर्नी। और जब जर्नी जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, एक पर्सनल उससे शुरू होता है, लेकिन तमाम के तमाम जो एक उम्मत जो स्टैब्लिश हो रही है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स आखिरत के, सबको अल्लाह ताला की तरफ जमा होना है। तो समझ लें कि ये क़िबला जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जब भी आप कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, जो अल्लाह ताला ने कहा ना यहदी मई यशा इला सिराति मुस्तकीम, जिसको अल्लाह चाहता है हिदायत देता, हिदायत क्या है, गाइडेंस क्या है, टू बी एबल टू नो, कि इंसान को पता चले कि मैं किधर हूँ, मैंने किधर जाना है और मेरा जर्नी किधर खत्म हो रहा है। यही जीपीएस आपको बताता है ना कि यू आर हियर, इधर से तुम्हें टर्न करना है, यहाँ तुम्हारी डेस्टिनेशन है और ये डेस्टिनेशन टू द राइट और लेफ्ट, और किधर तुम्हारी डेस्टिनेशन है, किधर रीच करना है। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट जो जर्नी का है, किस तरफ हमें टर्न करना है, किधर जाना है, तो क़िबला जो है वो मुतय्यन करता है कि जब हम, तो दिल का जो क़िबला है वो तो इंसान को मालूम है कि अल्लाह की ज़ात जो है वो इट इज़ बियॉन्ड एनी स्पेस और टाइम और डायरेक्शन, लेकिन जब एक उम्मा का क़िबला एस्टैब्लिश किया जाता है तो एक सिंबॉलिक क़िबला दिया गया है कि ये काबा जो है ये क़िबला है, और ये अल्लाह सुबहान तआला इज़ नॉट कंटेन्ड इन एनी डायरेक्शन, लेकिन तुम्हारा जो जर्नी शुरू हुआ है तुम किस तरफ टर्न करते हो, जो जो सिम्बॉलिक क़िबला है कि हमारा जर्नी जो है मिलाई इब्राहिमी पर है, इन्नी वजह तू वजह लिल्लज़ी, कि मैं हम अल्लाह की तरफ टर्न करते हैं, हम अल्लाह की तरफ जो है वो टर्न करते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ क़िबला, कि व्हाट डज दैट क़िबला रिप्रेजेंट, द अल्टीमेट जर्नी, कि इवेंचुअली जो है हम अल्लाह ताला की तरफ जो है सब जमा हो जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी हैव टू मेडिटेट ऑन इट। आपको पता है मेडिटेशन कितनी होती है, कितने वो है जिसमें आपको मेडिटेशन सिखाते हैं, कि आप वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में भी, हिंदुइज्म में भी, कि मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन जो आप करते हैं लाइक यू नो कि अपने तक पहुंचना है, लेकिन जाना किधर है, जाना किधर है आखिर। अगर मैं अपनी डीप थिंकिंग से और अपनी ब्रीदिंग से आई एम इंटरनलाइज में अपने आप को कर भी लूं, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे मिल गया है, लेकिन आई एम स्टिल लॉस्ट, वेयर ऑल इट हैज टू एंड, where it all has to end. ये बात मैंने एक उनसे सुनी, एक convert से सुनी। He said कि मैंने इतने religions explore किए, क्योंकि मैं सच्चा रास्ता ढूंढ रहा था, और मुझे बुद्धिज्म ने भी बहुत इंस्पायर किया, और मुझे हिंदुइज्म की जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस थी वो भी मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन मैं ये सोचता था कि लाइक जब मैंने अपने आप को सेंट्रल कर भी लिया तो लाइक मुझे जाना किधर है। इस्लाम में मुझे ये चीज मिली कि ना सिर्फ कि मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला कि मुझे इंटरनलाइज करना है, सेंट्रलाइज करना है,
बल्कि मुझे अपने जर्नी का पता चल गया कि इवेंचुअली मुझे अपने रब की तरफ जाना है और वो मेरी डेस्टिनेशन है। तो दिस इज द कंप्लीट जर्नी, सुभान अल्लाह। तो क़िबला जो है वो इसको जो है वो सिग्निफाई करता है। ऑलराइट, नाउ अब मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट डायमेंशन की तरफ लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मैं आजकल सूरतुल कहफ की बहुत डीपर स्टडी कर रही हूँ। तो ये दिस मैं सूरतुल कहफ की तरफ लेकर जा रही हूँ, जिसमें आपको एक क़िबला की नौइयत से एक मैं आपको एक जिसे कहते हैं नैरेटिव बताना चाह रही हूँ, एक केस स्टडी बताना चाह रही हूँ कि क़िबला होता क्या है। सूरतुल कहफ में अस्हाबे कहफ की स्टोरी जो है, जिससे जो हमें सबको पता ही होगी कि अस्हाबे कहफ जो थे कंपेनियंस ऑफ द केव, राइट, द स्लीपर्स ऑफ द केव, जिनका जिक्र किया जाता है इवन इन द प्रीवियस रेवलेशन, ये वो लोग थे जो हक पर थे और ये मोनोथियस्टिक रिलीजन पे एक अल्लाह को मानने वाले लोग थे। और ये एक अल्लाह को मानने वाले जो लोग थे, इन्होंने जो थी एक केव में पनाह ली थी अपने आप को बचाने के लिए। ये बड़े इलीट क्लास के यंग पीपल थे और इन्होंने सब कुछ तर्क कर दिया, बिकॉज ये सच्चा रिलीजन जो था ये फॉलो करना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के अलावा जो है हम किसी को नहीं पुकारेंगे। और ये उनकी जो थी वो स्टोरी थी। और कभी इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम सूरतुल कहफ डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज रियली वर्थ स्टडिंग सूरा जो है, स्पेशली आजकल के हमारे करंट जमाने में बहुत रिलेवेंट है। मैं जो इस चीज में आपको बताना चाह रही हूँ कि जब ये कुछ आयते हैं जो मैं सूरतुल कहफ की लेकर आई हूँ, आय नंबर 16, वो इज़ातज़ल्तुमुहुम वमा याबुदून इल्लल्लाह فَأُوْ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا। तो उनसे कहा जा रहा था, उनके जो ये लोग आपस में जब बात कर रहे थे कि when you have turned away from them, यानी तुम्हारी जो कौम के लोग हैं जो शिर्क में मुब्तला हैं, जब उनसे तुम turn away from them, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ना वमा अना मिनल मुश्रिकीन, में मुश्रिक नहीं हूँ, उन लोगों को सबको जो शिर्क की उनकी प्रैक्टिसेस हैं उसको, उन तमाम चीजों को तुम छोड़ दो। वमा या अबुदूना इल्लल्ला, और जो कुछ वो इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा उन सब चीजों को तुम तर्क कर दो। इल्लल्ला, अल्लाह के अलावा, फावु इल्लल्का, तो तुम जो हो किस में पना लो, जाके ये जो गार है इसके अंदर जाके पना लो। यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमती, अल्लाह सुबहानु ताला विल एक्सटेंड हिज मर्सी फ्रॉम फॉर यू। यंशुर का नशर, नशर उर्दू में भी कहते हैं कि नशर की जा रही है खबरें, लाइक कोई चीज स्प्रेड की जा रही है। तो यंशुर लकुम, तो तुम्हारा रब जो है अपनी रहमत को तुम्हारे लिए स्प्रेड करेगा। वह युहई लकुम, और ऐसी जो है फॉर्म देगा। युहई लकुम का जो वर्ड है, किसी चीज को हैयत, हैयत उर्दू में भी कहते हैं लेकिन इतनी उर्दू आजकल लोग पढ़ते भी नहीं है। किसी चीज को फॉर्म देना, किसी चीज की हैयत क्या है इसकी जो है ना, उसकी फॉर्म देगा। मिन अमरिकुम मिरफका, यानी तुम्हारे जो भी अफेयर्स हैं, जो भी तुम्हारे मैटर्स हैं, उसको अल्लाह सुभान व तआला ऐसी आसानी अता करेगा कि मिरफका के मतलब वो तुम्हारे लिए बहुत ही सहल हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। जिस मुश्किल में तुम मुब्तला हो उससे तुम बाहर हो जाओगे, निकल आओगे। तो अब ये जो आयत है, अगर आप इसमें देखें, कहा गया कि क्या, नंबर वन, सब चीजों को छोड़ के किसकी तरफ टर्न होना है, अल्लाह की तरफ, ठीक है। वमा याबुदूना इल्लल्ला, अल्लाह की तरफ, फावु इलल कहफ, कि तुम्हें किस चीज की तरफ जाना है, टेक रिफ्यूज इन द केव। और फिर अल्लाह सुभान व तआला जो है क्या करेंगे कि तुम्हारे लिए खोल देंगे रहमत के दरवाजे, और रहमत जो है तुम्हारे लिए जो है वो होगी। फिर उसके बाद ये कहा गया व तरश शमसा इज़ा, जो आया नंबर 17 में आया कि तुम देखोगे कि सूरज जो था उनकी तरफ, व्हेन इट यूज टू राइज इज इट टर्निंग इट अवे फ्रॉम द केव। अब सूरज की मूवमेंट का जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह सुभान ताला ने जब उनको सुला दिया केव के अंदर। व तरश शमस, अल्लाह ताला ने कहा कि जब सूरज तुलू होता था तो वो एक तरफ हो जाता था केव से, कि उनके ऊपर जो है सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी।
वइज़ा गरबत, और जब गुरूब होता था, इट बाईपास देम टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल, तो वो दूसरी तरफ हो जाता था. एंड दे वर इन द हॉलो देयर ऑफ वहुम फी फजवतिन मिन, वो केव के अंदर है और सूरज की मूवमेंट इस तरह से अल्लाह ताला ने कर दी थी राइट लेफ्ट, कि जैसे सूरज की मूवमेंट जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है, वो अपनी स्लीप में है, और जो है उनको सूरज की मूवमेंट का असर नहीं होता था. ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की आयतों में से है, ये अल्लाह ताला की आयतों में से है. सुभान अल्लाह, यानी ये लोग जो थे खुद जो है बजात खुद अल्लाह ताला की आयात में से थे. हमने तो उन लोगों को नहीं देखा, लेकिन उनका किस्सा हमें बताया जा रहा है, तो यकीनन इस किस्से के अंदर हमारे लिए आयात हैं, इस किस्से के अंदर हमारे लिए साइंस हैं. मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे उसी के पास हिदायत है. व मैं युदलिल फलन तजीद लहु वलिय मुर्शिदा, और जो गुमराह होता है उसके लिए कोई उसको हिदायत देने वाला नहीं. ना जो नेक्स्ट आयत है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और सोच तलब सोचने वाली बात है. वतहसबहुम अयकाज़ वहुम रुकूद, और तुम समझ रहे हो कि उनको के एज इफ के वो जो है यू वुड थिंक के लाइक यू नो के आइकाज के वो जागे हुए हैं. वहुम रुकूद, और वाइल देवर असली, ठीक है, के लगता है कि जैसे वो जागे हुए हैं वो लोग और वो सो रहे हैं. वहुम रुकूद व नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, अल्लाह ताला ने कहा कि हम उनको टर्न कर रहे हैं ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, एक तरफ और दूसरी तरफ, एक तरफ और दूसरी तरफ. और फिर कुत्ते का जिक्र किया गया, और अगर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम उनको देखते तो डर के मारे जो है वो तुम उधर से निकल जाते, यू वुड हैव फिल्ड विद ऑ ऑफ देम, लाइक यू नो कि तुम पर उनकी दहशत, उनका रोब जो है वो तारी हो जाता. नाउ अल्लाह ताला ने कहा व तहसुम अयकाज़ व हुम रुकूद, कि तुम समझ रहे हो कि वो जागे हुए हैं, यू थिंक दे वर अवेक व्हाइल दे वर स्लीप. अजीब व गरीब आयत है, बहुत अजीब व गरीब आयत है, सोचने वाली, कि ऐसे लोग कि आपको लगे कि वो जागे हुए हैं और वो सो रहे हैं, उनकी स्लीप क्या थी, ये सोचने वाली बात है कि उनकी स्लीप क्या थी. जब वो सोने के लिए गए, जब वो अल्लाह ताला ने उनको सुलाया, तो उन्होंने क्या तहिया किया था कि लन्नदुआ मिन दूनिही इलाहा, हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारेंगे, हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारेंगे. और उसके बाद क्या था कि हम किसी की इबादत नहीं करेंगे सिवाय अल्लाह की, तो क्या कहा गया, फाहु इलल कहफ, तुम उस केव में जाके जो है जाके पनाह लो. व नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, अल्लाह ताला कहते हम उनको पलटाते थे, उनकी करवट जो वीडियो थी, मतलब फॉरगेट अबाउट द वेकिंग आवर्स, कि अल्लाह विल टेक केयर ऑफ यू, अल्लाह सुभान ताला जो है कह रहे हैं कि नींद में भी जो है हम उनका ख्याल रखने वाले थे, हम उनको जो थे वो देखने वाले थे, कि हम उनको जो थे पलटाते थे. नाउ थिंक अबाउट दिस, एक लोग थे जिन्होंने अपना जर्नी जो है मुतय्यन किया कि वो अल्लाह की तरफ जाएंगे और अल्लाह के अलावा किसी की तरफ नहीं जाएंगे. ये क्या था, ये उनका क़िबला था, ये क्या था, ये उनका क़िबला था. अल्लाह ताला ने कहा फ़ाअबू इलल कहफ, तुम्हारे लिए एक जो है वो एक जो गार है, एक सिंबॉलिक पॉइंट है, उसके अंदर तुमने जाके जो है वो पनाह लेनी है. तो क़िबले की हैसियत क्या है, कि इंसान जो है स्पिरिचुअली अपनी जो है डायरेक्शन जो है वो डिटर्मिन कर लेता है. जो हम नमाज पढ़ते हैं, अब उसको लेट्स टॉक ऑन पर्सनल लेवल, जो चीज हम समझें कि क़िबले की अहमियत क्या है. जब हम नमाज पढ़ते हैं, क़िबले की रियलिटी क्या है, जब क़िबले में हम खड़े होते हैं तो एज इफ कि हमारा जो है वो हमने एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन अपने जर्नी का मुतय्यन कर लिया है. अब आपकी तमाम मूवमेंट्स क्या है, वो अल्लाह ताला के हुक्म के ज़ेर असर आ गई है. आप खड़े होते हैं तो आपने खड़ा किस तरह से होना है, आपके पैर किधर होने चाहिए, आपके हाथ किधर आपने बांधने हैं, आपकी आंखें तक जो है किधर मरकूज होनी चाहिए. जब हम खड़े होते हैं, जो हमारी जो इस्तकबाल क़िबला की जो पोजीशन है, जो क़याम है, आंखें किधर होनी चाहिए, हाथ किधर बनने चाहिए, पैर किधर होने चाहिए, यानी एक मुकम्मल सबमिशन टू अल्लाह सुबहान व तआला है, कि अब हम क़िबला रूह होकर अल्लाह ताला की तरफ जो है हम खड़े हो गए हैं.
ये किबला है, और नमाज जो है वो एक गार की तरह है कि जिसमें आपने अब जो है वो पनाह ले ली है कि हम टोटली फोकस्ड हैं, क्योंकि इन्होंने ये जो सोने के लिए जो गए थे वो अल्लाह ताला ने कहा हमारे अबुदूना इल्ला, वो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर रहे थे, तो उनकी जो नींद भी जो थी, उनकी जो स्लीप भी जो थी, वो एक इबादत थी। तभी तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें लगेगा कि वो जागे हुए हैं हालांकि वो सोए हुए थे, हालांकि वो सोए हुए थे, वो लोग सोकर ऐसी इबादत कर रहे थे जो हम जाग कर नहीं कर सकते, वो लोग सोकर ऐसी इबादत कर रहे थे जो हम जाग कर नहीं कर सकते, हमारे जहन गफलत में रहते हैं। लेकिन ये नियत जो है हमारी कि हम अल्लाह सुभान ताला के आगे खड़े हैं और हम अल्लाह ताला के अलावा जो है हम मुकम्मल तौर पे मरकूज हैं, हमारी तमाम एनर्जीज अल्लाह सुभान ताला की जात के ऊपर मरकूज है, ये हमारी नमाज जो है कि हम अल्लाह ताला के सामने जो है वो खड़े हैं और हमने अपनी तमाम मूवमेंट्स तक सबमिट कर दी अल्लाह को। इसीलिए जो है आंखें जो है वो तक हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज जो है मेरी आंखों की ठंडक है, क्योंकि शुरू तो सफर आंखों से होता है ना कि आंखें मरकूज हैं, तो आंखें जो है उनको दिल से तकवियत मिलती है, जो दिल जो है वो सुकून पाता है नमाज से, तो आंखें भी जो है वो ठंडक जो है वो रास्ता जो है वो वहीं से शुरू होता है। सबसे पहला जो बर्डन सबमिशन का है वो बॉडी पर है, सबसे पहला जो बर्डन है सबमिशन का वो बॉडी के ऊपर है कि हम सबमिट नहनु लहू मुस्लिमून, कि हम अल्लाह के आगे झुकते हैं। तो ये नमाज जो है बाय इटसेल्फ जिसमें क़िबले की तरफ हम मुंह करके खड़े होते हैं, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी। नाउ थिंक अबाउट दिस, दुनियावी भी अगर आप अफेयर्स को लें तो कौन सा ऐसा, जब इंसान को कहा जाता है कि स्टे स्टिल, तो कोई किस लिए कहा जाता है स्टे स्टिल? जनरली आपको कब कहा जाता है कि कोई स्टे स्टिल? जब आपके साथ कोई कुछ करना चाह रहा होता है, आप जाते हैं कोई एक इंजेक्शन लगाना, कहेंगे स्टे स्टिल, मूव नहीं करना हाथ, एक्सरे तुम्हारा लिया जा रहा है, स्टे स्टिल, तुम्हारे जो है दांत के ऊपर कुछ हो रहा है, प्लीज अपना आप इसी पोजीशन में रखें, बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग टू, यहाँ तक कि आपके बाल भी काटे जाते हैं तो कहते हैं प्लीज अपने आप को ज्यादा मूव नहीं करें, लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग टू यू। जब आपके साथ कोई कुछ करना चाह रहा होता है तो आपको कहते हैं स्टे स्टिल। ये हम जब नमाज में खड़े होते हैं और नमाज जो है हम समझते हैं कि ये सिर्फ हमारी तरफ से एक एक्ट है कि हम अल्लाह ताला के आगे खड़े हैं, लेकिन नमाज की रियलिटी क्या है? जो अल्लाह ताला ने सूरतुल फातिहा के बारे में कहा कि मैंने सूरतुल फातिहा डिवाइड कर ली है अपने और अपने बंदे के बीच में, जब मेरा बंदा ये कहता है तो मैं ये जवाब देता हूँ, जब मेरा बंदा ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो मैं उसका जो है जवाब देता हूँ कि मेरे बंदे ने किस तरह से मेरी तारीफ की। ये जिनके दिल अल्लाह ताला के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो अल्लाह के औलिया होते हैं, वो ये सुन पाते हैं, उनके नमाज में इतने पॉजेस होते हैं कि इमाम इब्ने कय्यूम के, मैं रो पड़ी थी, मैंने इमाम इब्ने कय्यूम के स्टेटमेंट पढ़ के, उन्होंने कहा क्या हमारे दिल खुशी से फट ना जाए कि हम अल्लाह की तारीफ करते हैं, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, मेरा बंदा कह दिया अल्लाह ने मुझे, इस खुशी में हमारे दिल खुशी से फट ना जाए कि उस मोमेंट में जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने कहा मेरे बंदे ने मेरी बात। तो जिनके दिल अल्लाह के साथ जुड़ते हैं वो सुनते हैं, वो किबला रूह होती है उनकी जात। तो मैं आपको ये बता रही थी कि व्हेन वी स्टे स्टिल तो अल्लाह सुभान ताला के साथ एक डायलॉग भी है और अल्लाह सुभान ताला जो है इज मोल्डिंग यू, अल्लाह ताला आपको वो उबूदियत का रंग जो है, जिसे कहते हैं ना सिबगत अल्लाह, जिसका हमने पहले किया था, उस रंग में, उबूदियत के रंग में अल्लाह सुभान ताला जो होते हैं आपको मोल्ड कर रहे होते हैं, कि नमाज की जो है हैसियत इस तरह से है कि जैसे किसी को कोई रंग किया जा रहा हो। अब जब इंसान अपने आप को सबमिट कर देता है तो फिर अल्लाह सुबहानु ताला उसको फिर उसमें मोल्डते हैं, मोल्ड करते हैं, उस तरीके से मोल्ड करते हैं अल्लाह ताला, जिस तरह से अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये मेरा बंदा उबूदियत का रंग इख्तियार करे।
तो अब ये आयत आप सुने सूरतुल कहफ की, व नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, हम हैं जो उनको टर्न करते हैं टूवर्ड्स राइट एंड टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इसी तरह से नमाज में जब इंसान खड़ा होता है और नमाज में जब अल्लाह ताला के आगे झुकता है और नमाज में जब क़िबला की उसको हकीकत मालूम होती है और यू सबमिट, तो स्कॉलर्स ने कहा कि जो असल बिलीवर्स जो होते हैं उनकी एग्जाम्पल ऐसे है जैसे वो अल्लाह के हाथ में कंकर की तरह, जैसे आपके हाथ में कोई कंकर हो ना, आप उसको एक हाथ में लें फिर दूसरे हाथ में डालें फिर जो मर्जी करें। तो जो बिलीवर जो नमाज पढ़ता है वो उन तमाम मूवमेंट्स में इस तरह से होता है जैसे कि अल्लाह ताला के हाथ में कंकर होते हैं कि अल्लाह ताला जो चाहे उसकी जो है वो एक हय्यत बना दे, उसकी एक फॉर्म बना दे, कि उसने अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया, अल्लाह ताला के सामने उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, चाहे क़याम में हो चाहे रुकू में हो चाहे सजदे में हो या चाहे जुलूस में हो जब वो बैठ जाए, बिल्कुल जैसे कोई इस तरह से बैठता है जैसे कोई बेजान मिनरल्स होते हैं ना, उस तरह से वो बैठ जाता है कि अब अल्लाह की रहमतें जो हैं वो मुझ पर जो हैं वो नाजिल होंगी। वह नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, तो जिस तरह से अल्लाह ताला उनको पलट रहे थे, जब कोई क़िबले की हकीकत समझता है और अल्लाह के आगे झुकता है तो अल्लाह ताला उसको उसी तरह टर्न करते हैं जैसे अस्हाबे कहफ को अल्लाह ताला एक तरफ और दूसरी तरफ पलटा रहे थे। इसी तरह से अल्लाह सुबहान ताला इंसान की रियलिटी, या मुकल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, हम कहते हैं ना या अल्लाह तू दिनों को फेरने वाला है, हमारे दीन हमारे दिल को अपने रिलीजन के ऊपर जो है अपने दीन के ऊपर जो है वो बिठा दीजिए। तो वो दिल जो होता है वो अल्लाह ताला की मुट्ठी में है बिलीवर का उस मोमेंट में। तो ये जो है वयंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमती, ये वही बात है जो हमने लास्ट टाइम की थी, वनहनु लहु मुखलिसून, के जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि मल्टीप्लिसिटी की, के तमाम चीजें जब फोकस करके इंसान जो है अल्लाह ताला के ऊपर राहत के ऊपर जब फोकस करते हैं आप, तो ये जो पॉइंट है फोकस करने का अल्लाह ताला की जात, ये क़िबला जो दिल का क़िबला है और देन फिजिकल क़िबला है, जब इंसान उसके ऊपर फोकस करता है तमाम एस्पिरेशंस के साथ उस क़िबले के ऊपर करता है, तो रिमेम्बर दैट अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्ज, तमाम जो लाइट की जो सोर्स अल्लाह सुबहान ताला, दिन तमाम जो आसमान और ज़मीन की जो एग्जिस्टेंस है वो अल्लाह सुबहान ताला की जात पर है, ही इज नूरुस समावाती वल अर्ज। तो इस पॉइंट से जो है अल्लाह ताला की जो नूर जो नमाज जो है वो नूर जो है उसका, वो यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमती फअवु इलल कहफ, किसी की हम इबादत नहीं करते अहसाबे कहफ ने कहा सिवाय अल्लाह के, कहा कि तुम पना ले लो केव के अंदर, यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमती, ये हर बिलीवर का जर्नी है। इसी वजह कुरान, ये कुरान के जो किस्से हैं जो अल्लाह सुभान ताला कहते हैं कि नहनु नकुसु अलैका नबअहुम बिलहक, कि हम हक के ऊपर कोई किस्सा बताते हैं आपको, तो ये हर इंसान की हर बिलीवर की कहानी है अगर हम समझें, अगर हम समझें। ये कोई असातीरुल अव्वली नहीं है कि हाँ कोई थे और जाके सो गए और ये हुआ, नहीं, ये हर बिलीवर की हर मोमिन की कहानी है ये, कि जब तमाम चीजों को छोड़कर इंसान फोकस करता है और वो नमाज जो है वो आपका आपका जो है किला है जिसके अंदर आपने पनाह ली है, और उसके बाद जब तमाम तमाम फोकस अल्लाह सुबहानहु ताला के ऊपर है, तो यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमती, दिस इज द पॉइंट ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द नूर ऑफ अल्लाह सुबहानहु ताला, जिससे इंसान की तमाम दिल, इंसान की जात, इंसान की जिंदगी, इंसान के आमाल, हर चीज जो है उससे मुनव्वर हो जाती है ताकि इंसान जो है उसमें शामिल हो जाए। वनहनु लहु मुखलिसून, या रब हम तो खालिसतन आप ही को बिलोंग करते हैं, बिकॉज दिस इज द जर्नी, दिस इज द जर्नी कि हम अल्लाह की के पास से आए हैं और अल्लाह के पास ही हम वापस जा रहे हैं, जो कि अल्लाह सुबहान ताला ने कहा कि वलिकुल वजहतुन हुवा मुवल्लीहा, कि हर चेहरे के लिए हर जात के लिए जो है एक डायरेक्शन है जिसकी तरफ वो मुस्तकिल टर्न करता है। फस्तबिकुल खैरात, तो तुमको अगर किसी चीज की तरफ जाना है तो अच्छाई की तरफ आओ, गुडनेस की तरफ आओ। अयनमा तकूनु, जहां भी तुम हो, याती बिकुमुल्लाहु जमीआ, अल्लाह सुभान व तआला इज गोइंग टू ब्रिंग यू टुगेदर, जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है इवेंचुअली वो अल्लाह ही की तरफ है जो जाना है। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, और बेशक अल्लाह सुभान व तआला जो है वो हर चीज पर कादिर है।
तो इस दुनिया में जो लोग जो मिरर करते हैं नमाज के थ्रू, इबादत के थ्रू, वो उस जो क़िबले की जो हकीकत है, जो क़िबले की जो इम्पोर्टेंस है, हम यही जर्नी जो है मिरर कर रहे होते हैं, जो हमारा इवेंचुअल जर्नी है। जज़ाक अल्लाह खैर, इंशाल्लाह ताला, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम भी इज़्निल्लाह। बहुत ही खूबसूरत, बहुत